हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आशिक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ BBC पटना। आज हम बात करेंगे मैंने हॉस्टल में जो फील किया, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, स्पेशली ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो जो भी यहाँ वेटनरी कॉलेज में होते हैं या आना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में आओगे तो आप सीनियर से मिलोगे, ठीक है, और सीनियर से मिलोगे तो सीनियर जो है बहुत तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ जो है बहुत फ्रस्ट्रेट मिलेंगे, कुछ काफ़ी एंथुसिस्टिक मिलेंगे, और कुछ जो है एकदम वैलेड टाइप मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि ठीक है, आप उनसे बात करते हो, वो सीनियर आपको कैसे सीनियर से इंटरेक्ट हुए हो, ठीक है, और कैसे मिले हो। तो सीनियर की मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हाँ, जो अगर काम की बात बोलें कि हाँ कि ये करो वो करो, तो काम की लगे तो सुनो, और अगर काम की बात नहीं लगे तो उनको दिल पे मत लेना, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था तो जितना जिससे जिनसे भी मिलता था, वो सुपर सीनियर हो, इमीडिएट सीनियर हो, जो भी हो, कुछ कुछ तो इतना मतलब वेटनरी कॉलेज में खास करके, तो कुछ कुछ इतना मतलब फ्रस्ट्रेट थे, मेरा तो मेरा दिमाग घुमा देते थे कि अरे कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम तैयारी करो, नीट का तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, MBBS में जाओ, ठीक है, MBBS जाओ, यहाँ तक ठीक है, चलो मतलब, अरे ये बोला कुछ भी नहीं है, एकदम बर्बाद हो जाओगे, ज़िंदगी झंड हो जाएगी, ये हो जाओगे, सब कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होगी, परेशानी क्या है, ये लाइफ सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तैयारी करो, वापस एग्ज़ाम दो, तैयारी करो, ठीक है, कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे, तैयारी करो। और वो फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तैयारी, सेकेंड ईयर में कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, तो फिर उसके पीछे लगे हुए पागल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट है, ऑनेस्टली, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, वो चाहे सिंपल ग्रेजुएशन हो या कोई भी चीज़ हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप है ना स्लेव ही बनते हो। MBBS कर लो या कोई भी चीज़ कर लो, आप कहीं पर जा करके इस तरीके से जाकर खुद का डिसीजन नहीं ले पाओगे तो लाइफ में हमेशा स्लेव ही रहोगे, ठीक है। आप जब अगर सिर्फ वो खुद का डिसीजन नहीं ले करके दूसरे का डरते रहोगे और लाइफ में यही करते नहीं ये करना वो करना, हाँ आपका खुद का एक सेल्फ ये होता है कि हाँ हम ये करना चाहते हैं या नहीं, मैं टाइम के लगे पड़े हैं, 5 साल 10 साल से लगे पड़े हुए हैं MBBS के पीछे, पागल हो रहे हैं, तो सब कुछ वही नहीं, मुझे नहीं लगता सब कुछ वही है, ठीक है। क्योंकि आजकल MBBS आप कोई बीमार पड़ता है और किसी को जाना है तो या तो खुद ही मेडिसिन ले लेता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ तो वो कोई MBBS के पास नहीं जाता है, सब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और वहाँ तक जाते जाते आपका सर का सारा बाल झड़ जाता है। इससे बेहतर है कि जल्दी से कुछ आगे अगर मिल रहा है कुछ तो उसको ले करके आगे बढ़ें लाइफ में, और वहाँ पे अगर टाइम दोगे आप, अगर आगे आपके फिर अगर इधर 5 साल जो आप इन्वेस्ट कर दोगे तैयारी करने में, तो फिर आगे का आप 5 साल आप हमेशा एक जैसा इंसान नहीं रहता है, लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती हैं, आपका पढ़ने का इच्छा होता है, और भी रीज़न हो सकते हैं, घर के काम हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं कुछ कुछ देखते हैं, नहीं हम लगे हुए हैं तुम भी लगे पड़े हो, ठीक है, तो इस तरीके का नेगेटिव थॉट है ना बहुत सारे सीनियर जो है और बहुत सारे लोगों के माइंड में भी रहता है, ठीक है। तो ये चलो यार हाँ ठीक है, तैयारी करो, अगर तैयारी करना है आपको तो करो तैयारी करो और दो एग्ज़ाम दो, और निकल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकल जा रहा लगे पड़े हैं इसी में और सबको बता भी रहे कि नहीं कुछ नहीं रखा हुआ है, नहीं ये वो दिस दैट फलाना चिलाना डिमका, तो इससे क्या है एक निगेटिव इल्यूज़न पैदा होगा, ठीक है, और फिर आप कुछ करने लायक बचते नहीं हो। वेटनरी कॉलेज में जो है मुझे और सब जगह का वेटनरी कॉलेज का पता नहीं, बट हमारे यहाँ का एक खास मैंने देखा ऐसा कि यहाँ पर आने के बाद सिर्फ से और सिर्फ एक ही वो बचता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में चूँकि बिहार में तो वैसे भी कोई इंडस्ट्री है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आपको 60-70,000 मिल जाता है, सैलरी होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार करना, और सरकारी नौकरी की तो पूरा इंडिया ही दीवाना है, इसमें कोई कहना ही नहीं है ना, बट ये आपको है ना दिमाग में रख लेना कि नहीं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करना है और कुछ नहीं करना है, तो फिर ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप इससे कमज़ोर बनते हो फिर, क्योंकि एग्ज़ाम में सभी पास कर जाते हैं, एग्ज़ाम पास करना यहाँ टफ नहीं है, बट नॉलेज होना और एग्ज़ाम पास करना दोनों बहुत डिफरेंट है। तो अगर आप बस ये सोचते हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, वैकेंसी का इंतज़ार करते हो, तो फिर आप पढ़ाई पे छोड़ देते हो, ध्यान देना बंद कर देते हो, आप अपना टाइम को वेस्ट करना शुरू कर देते हो, नहीं तो आप तैयारी करोगे, बस बोलोगे कि हाँ नीट एग्ज़ाम दो, फिर से MBBS कर लो, MBBS कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम भी करो हम भी कर रहे हैं, वो खुद भी नहीं करेगा कुछ भी, नहीं वेटनरी अच्छे से पढ़ाई करेगा, नहीं नीट निकालेगा, ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक।
और मैं तो यही बोलूँगा कि अब जो एक बार डिसीज़न ले लिया ना, तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए आपको, और वापस से इस तरीके का सोच रखना कि हाँ नहीं देना यही है वही दिमाग में रखना, ठीक है, ये मुझे नहीं लगता सही है, ठीक है। हाँ चलो हुआ जी, ट्राई किए, अगर आपका मन है तो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्राई कर चुके तो आप इधर ही करो, अच्छा करो, इधर भी रिसर्च में जा सकते हो आप, अब्रॉड जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड हैं यार, कोई ये नहीं है, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, कितना चीज मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, मतलब गोबर बेच करके लाखों कमा रहे हैं, तो फार्म खोल करके करोड़ों रुपए बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं यार, करो ना, क्या रखा है उसमें, अल्टीमेटली मायने यही रखता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास क्या है, ठीक है, यही फ़र्क पड़ता है, और उतना कुछ नहीं है, अगर आपके ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और सेल्फ इस्टीम है ना, वो इंसान के खुद के स्किल के की वजह से आता है, जब आप ये सोच लोगे कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, आप पढ़ाई नहीं करोगे, जैसे एक कॉलेज में पास ही करोगे तो नॉलेज आपके पास रहेगा नहीं, तो सेल्फ इस्टीम जो खुद का कॉन्फिडेंस वो आएगा नहीं, तो आप अच्छे से किसी से कैसे फेस करोगे, बात ही नहीं करोगे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब अगर वैकेंसी आता है हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए डिपेंड रहना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये कमज़ोर बनाता है, फिर आपके लिए अगर ये दिमाग में रखते हो तो आप देखो कितना चीज़ मिस कर दोगे, आप तैयारी नहीं करोगे अच्छे से, तो सोचोगे हम तो तैयारी नहीं की अच्छे से, हम तो पढ़े ही नहीं, तो हम कहाँ से JRF देंगे, ठीक है। अब अगर वैकेंसी कोई ज़रूरी है, हर साल आएगा, हर साल वैकेंसी भी नहीं आता है, यहाँ मैं बिहार का बता रहा हूँ आपको, अदर स्टेट का मुझे पता नहीं, अदर स्टेट में भी शायद कुछ कुछ स्टेट में तो 8-8, 10-10 साल पे आते हैं वैकेंसी, 10-10, 12-12 साल पे आते हैं। बिहार में अभी 2017 में वैकेंसी आया था, और वैकेंसी अगर आ जाता तो सबका हो ही जाता, क्योंकि इतना सीट ही है ना, सीट ही इतना ज़्यादा है कि सीट खाली जाता है, तो 2017 में वैकेंसी आया था, फिर अभी 2020 में आया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया, फिर 2022 में आया था 625 सीटें के लिए, 2017 में आई थी 903 सीटें के लिए, तो उस समय भी खाली गया था, अभी 625 सीट के लिए वैकेंसी आई थी तो ये भी खाली गया, ठीक है। बट अब कब आएगा ये पता नहीं, 4 साल हो सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल 6 साल में भी, ठीक है, तो कोई ठीक नहीं है। बट अगर जैसे पास आउट होते हो तो उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो क्या ही करोगे, ठीक है, अब पढ़ ही नहीं रहे हैं तो अगर आप पढ़ाई किए रहोगे, अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे, अगर ये दिमाग में नहीं रखते हो तो आप JRF वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हो, DRDO वगैरह ये सब का वैकेंसी आता है, एक ही दो ही आता है यार, बट आता तो है, और भी RVC है उसकी वैकेंसी आती है, उसमें जा सकते हो, मास्टर कर सकते हो अच्छे जगह से, अगर JRF निकाल लेते हो तो उसमें 14-15 हज़ार का पर मंथ आपको मिलता है, ठीक है, JRF निकालने के बाद जब PG करोगे तो। और इसके अलावा जो है अब्रॉड वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड हो अब्रॉड वगैरह जाने में तो उसका प्रिपरेशन कर सकते हो अब्रॉड जाने के लिए, मतलब अगर किस कंट्री में जाना चाहते हो डिपेंड करता है, ठीक है, फॉरेन अगर जाना चाहते हो, USA कनाडा वगैरह जाना चाहते हो तो IELTS वगैरह, तो वो सब आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो सब तो ऐसा थोड़े ना कि एग्ज़ाम जब हम पास कर जाएंगे, UG कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम IELTS या TOEFL का तैयारी कर रहे हैं फिर उसको करें, तो उसे पहले से आपको डिसाइड करना होगा, पहले से आप सोच के रखोगे तो ये आप एक माइंड में वो सेटअप बना लोगे कि नहीं हमें यही करना है, हमें आगे जाके ये करना वो करना है, तब तो कर पाओगे, नहीं अब सोए हैं पड़े हुए हैं, ठीक है, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ये सोच करके कि MBBS में हुआ नहीं, अब आगे क्या करना, कुछ है नहीं, कुछ भी जो है सो वही है, इज्जत नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट लाइफ है, तो इससे है ना आप खुद को बर्बाद करोगे, और कर रहे हो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसको मान लो कि हाँ चलो ठीक है यार, जो है जैसा है इसी यही है, ठीक है, इसी में हमको कुछ करना है आगे, अच्छा करना है, तो यू कांट इमेजिन आप उनसे MBBS से भी आगे निकल सकते हो, इवन मतलब कोई लेवल दोनों ही, मतलब जब चूँकि इसलिए मुझे ऐसा बात करना पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद ही MBBS की प्रिपरेशन कर रहा था, सारे बच्चे उसी की कर रहे होते, तो इससे है ना बाहर निकल पाना जो है कि नहीं यार MBBS नहीं हो पाया, इस चीज़ का जो सदमा है ना उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हुआ है बहुत बच्चों के लिए, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, बट हम चलो खुद को मैनेज कर लिए, पर हमारे कुछ कलीग हैं या फिर और भी कोई दोस्त हैं, ठीक है, तो वो मतलब खुद को तो हैं और दूसरे को भी एक्सप्लॉइट करेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा, तो उसको लेकर के क्या ही करना, ये आपको है ना एक मतलब पैरासाइट की तरह आपको इंटरनली कमज़ोर बनाएगा, कमज़ोर बनाती चीज़ें, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जनरली जो है ऐसा थॉट मुझे या किसी को जब आता है जब आप फ्री होते हो, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो है 3 ही सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और LPM होता है, तो
क्लास भी जो है 3 क्लास होता है, फिर और प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल जो है आपको प्रैक्टिकल भी 1 घंटे 1.5 घंटे में छोड़ देगा, तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी टाइम मिलता है आपको। और कभी कभी छुट्टी वगैरह भी रहा, सैटरडे संडे की छुट्टी रहता ही है आपको, रेगुलर क्लास मतलब नहीं होती है, सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, तो काफ़ी टाइम मिलता है आपको और कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो दिमाग में बस यही आता है कि खाली टाइम, ऑब्वियस इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, तो खाली टाइम में कोई भी इंसान कहीं भी है, कुछ भी कर रहा हो तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है, तो उससे बचने का एक ही रीज़न है कि खुद को बिज़ी कर लो, ठीक है। तो मैं भी मुझे भी ऐसा आता था, तो मैं खुद को है ना बहुत कोशिश किया था बिज़ी करने का, कि फ्री नहीं है, मैं फ्री बिल्कुल ही नहीं रह सकता, या तो घूम रहा हूँ मैं, बाहर कहीं जा रहा हूँ, टहल रहा हूँ, ठीक है, सो करके मोबाइल चला, मुझे बिल्कुल मतलब एकदम मेरे दिमाग में बहुत अजीबोगरीब थॉट्स सब आते रहते थे। तो मतलब मैं ये सोचा कि इसका इसको है ना निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि खुद को बिज़ी कर लो, ठीक है। तो खुद को बिज़ी करने बहुत सारी तरीके हो सकते हैं खुद को बिज़ी करने का, तो वो आप अपने हिसाब से देख, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, न्यू थिंग क्या कर सकते हो आप, ठीक है। चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पोटेंशियल, अपनी अपनी इंटरेस्ट है सबकी, तो मैं ये बोलूँगा बस कि फ्री मत रहो, चीज़ों है ना मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई एक चीज़ पकड़ लो, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स है, आपको स्पोर्ट्स में अगर पसंद है तो स्पोर्ट्स में टाइम इन्वेस्ट करो, और कॉलेज में बहुत सारी स्पोर्ट्स वगैरह होती है तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो, स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी है वो, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो स्पोर्ट्स में अपना टाइम दो, आपको जो भी आता है स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करो, कुछ इन्वेस्ट भी करो खुद से, क्योंकि आप कॉलेज के भरोसे रहोगे ये नहीं वो नहीं है, एक्सक्यूज़ निकालोगे तो फिर एक्सक्यूज़ निकालते ही रह जाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ नहीं निकालो बस, हाँ अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, जो भी होता है जैसे होता है इन्वेस्ट करो। अगर कुछ बच्चे कुछ को जिम पसंद है, जिम में जाइए, जिम में वर्कआउट करिए, ठीक है, तो उससे आप, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है, क्योंकि सभी इंसान हेल्थ नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो जिम में जा सकते हो आप, जिम में वर्कआउट कर सकते हो, तो इससे भी आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे और बहुत बेनिफिशियल होगा हेल्थ के लिए भी, बहुत बेनिफिशियल है और पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है, तो जिम जा सकते हो आप, ठीक है। और मैं क्या करता था, मुझे जो है मतलब मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, तो और मैं जो है बिज़ी रखने के लिए फर्स्ट ईयर से ही एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने का, पढ़ाने का मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं हो पाया था, बट हाँ सेकेंड ईयर से फिर मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया था एक, और कोचिंग में पढ़ाता था, इसके अलावा मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है। तो ट्यूशन भी पढ़ाता था और कोचिंग भी पढ़ाता था, मैं नीट के नीट वाले बच्चों को पढ़ाता था, 11th 12th वाले को पढ़ाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है उसको पढ़ाने में हम बिज़ी हो जाते, तो हमें खुद में भी इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत डिफरेंस हो जाता, तो इससे आपकी खुद में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, दूसरा कि कुछ पैसे भी मिल जा रहे थे, और तीसरा कि आपको जो फ्री टाइम मिलता है सोचने उचने का फालतू, तो इससे बच पाओगे आप, तो आपका टाइम जो है यूटिलाइज हो जाएगा, है ना, और खुद पे मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, आपका स्किल बढ़ेगा, है ना, और पैसे भी आएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, वो कर सकते हो, कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। चूँकि अभी जब एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को तब पता चलेगा कि हाँ नहीं हमें कितना कुछ आता है कितना नहीं आता है, तो अभी जनरली तो बस यही बोलूँगा इंग्लिश सीख लो यार, ठीक है, कुछ नहीं तो इंग्लिश सीख लो, अगर इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, दूसरा लैंग्वेज सीख लो, इंसान को आजकल 8-8, 10-10 लैंग्वेज आते हैं, तो कोई लैंग्वेज सीख लो, लैंग्वेज सीख सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है, कोई और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, क्लिनिक में टाइम दे सकते हो, क्लिनिक में टाइम दे करके आप क्लिनिक की चीज़ें सीख सकते हो, सारी चीज़ें, कोई वेट क्लिनिक जो है लोकल आसपास में देख लो, कोई वेट क्लिनिक है वहाँ पे जा करके आप बात कर सकते हो, ठीक है, वीकली टाइम दे सकते हो क्लिनिक में, संडे सैटरडे को टाइम दे सकते हो, तो इस तरीके से अपने आप को खुद को इंडल्ज रखने का कोशिश करो पूरा, ठीक है। फ्री बिल्कुल नहीं रहना, बस मैं यही बोलूँगा, फ्री रहने से जो है दिमाग में अलग अलग थॉट आते हैं, तो ये आपको है ना वीक करता है, ठीक है, एक्सप्लॉइट करता है, तो जिस एनर्जी से आप आते हो फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आते हो, जो एंथुसिएस्टिक जो आपका एनर्जी होता है, तो वो लॉस नहीं करना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉलेज का माहौल हो सकता है मे बी आपको अच्छा ना लगे, और कुछ ऐसे सीनियर मिले जो मतलब डीमोटिवेट करे, ऐसा कुछ मे बी, और तुम भी वैसा ही बन जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जिस एनर्जी से आते हो कि नहीं हम कॉलेज में जा रहे हैं, जो एंथुसिएस्टिक, वो एंथुसिएस्टिक और जो वो एनर्जी बरकरार रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, वो लॉस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप खुद में कॉन्फिडेंस रहोगे तो चीज़ें आपके साथ अच्छा होगा, ठीक, और जब खुद लॉ फील करोगे और
इस तरीके से रहोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा और एकदम अपने लाइफ को एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते जाओगे, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया हो। मैं अपने तरफ से बस जो चीज़ें मैंने फ़ील किया है कॉलेज में, मुझे लगता है वो सब बताना चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।